हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। निम्मी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीनिस्ट ट्रेड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर को, ठीक, सेट टू को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सेट वन को डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर के, आज हम सेट टू को डिस्कस करेंगे। अदर ट्रेड की बात की जाए तो फिटर का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों तीन तीन सेट कंप्लीट हो चुका है, बेल्डर का दो सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और आज मशीनिस्ट का सेकंड सेट हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स, यहाँ पर आपको एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है और इसमें पूछा गया है एक्स से जो पार्ट मार्क किया गया है यहाँ पर, इसका नाम क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम रेडियल आर्म के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रेडियल आर्म के नाम से जानते हैं, जिस पर ये जो हमारा स्पिंडल हेड है ये किसी भी पोजीशन में आगे पीछे इस पर सरकाया जा सकता है, ठीक, अकॉर्डिंग टू जॉब की सेटिंग के अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे किसी भी स्थिति में सरकाकर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये हो गया बेसिकली आपका बेस हो गया, ये हो गया कॉलम, ठीक, और ये हो गया आपका स्पिंडल है, सॉरी रेडियल आर्म, और ये हो गया हमारा स्पिंडल हेड। नीचे यहाँ पर हमारा कोई जॉब दिखाया गया है जिस पर हम इसके द्वारा ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब हमें जॉब की एक ही सेटिंग में, ठीक है, कई सारे ऑपरेशन, मतलब हमने जॉब को एक बार सेट कर दिया और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हमको ऑपरेशन करते हैं, एक होल यहाँ पर करना है, एक होल यहाँ पर करना है, एक होल यहाँ पर करना है, जॉब की सेटिंग को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ऐसे स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके स्पिंडल हेड को हम रेडियल आर्म पर कहीं भी किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका रेडियल आर्म है ये भी क्या होता है, 360 डिग्री यहाँ पर घूमता है, ठीक है, तो रेडियल आर्म को भी हम किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका एडवांटेज कुछ ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। अगर बात की जाए अदर कंपेयर टू अदर मशीन के, तो जो इसका एडवांटेज होता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियल आर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डेप्थ स्टॉप इन ए ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन में डेप्थ स्टॉप का उद्देश्य क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है डेप्थ स्टॉप, डेप्थ का मतलब होता है गहराई और स्टॉप का मतलब रोकना, मतलब एक पर्टिकुलर डेप्थ पर जाने के बाद वो क्या करेगा, उसको रोक देगा, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कंट्रोल डाउन वर्ड मूवमेंट ऑफ द ड्रिल स्पिंडल। चूंकि ये मान लीजिए हमारा कोई जॉब है जिसमें हमारा ड्रिल स्पिंडल के द्वारा, ड्रिल के द्वारा ड्रिल की जा रही है, अब हमें कुछ पर्टिकुलर यहीं तक ड्रिल करना है, पूरा होल तक डेप्थ नहीं करना है, तो यहाँ पर हम स्टॉपर लगा देंगे, तो इस लेंथ पर आने के बाद क्या करेगी, ये स्टॉप हो जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगी, तो यही काम होता है यहाँ पर डेप्थ स्टॉप का, ठीक, कि आप जो पर्टिकुलर लेंथ सेलेक्ट करेंगे, डेप्थ सेलेक्ट करेंगे, उस डेप्थ तक वो ड्रिलिंग होगा, उसके बाद नहीं होगा, वहाँ पर जो आपका मशीन का स्पिंडल है वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द सरफेस ऑफ काउंट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ काउंटर सिंक विथ पायलट, तो पायलट के साथ काउंटर सिंक का उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा काउंटर सिंक, तो उसमें क्या लगा होता है यहाँ ऊपर की तरफ, तो एक पायलट लगा होता है, बेसिकली पायलट का काम क्या होता है, तो पायलट का काम होता है उसको गार्ड करना, ठीक है, और जो यहाँ पर आपका होल दिया गया है होल के सेंटर के साथ उसको अलाइन करने के लिए उसमें पायलट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अलाइन विद द ड्रिल्ड होल, ड्रिल किए गए होल के साथ क्या करता है पायलट, उस काउंटर सिंक को अलाइन करता है जिसके सही से वहां पर काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म इन BIS लिमिट फिक्स्ड टू मेंशन द साइज विद डायमेंशनल ड्यूरेशंस, BIS लिमिट में क्या शब्द आयामी अवधि के साथ आकार का उल्लेख करने के लिए फिट बैठता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो जो साइज प्रयोग करते हैं जिस पे कि हम क्या करते हैं बेसिकली टॉलरेंस देते हैं, डायमेंशनल डेविएशन देते हैं,
उस साइज को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेसिक साइज। ये आपसे पूछा जा सकता है, वो साइज जो कि ड्राइंग में दिया होता है वो साइज क्या होता है, बेसिक साइज होता है। जैसे मान लो दे दिया गया है 10, ठीक। अब यहाँ पर आपको टॉलरेंस दे दी गई है प्लस माइनस 0.2, ठीक। तो यहाँ पर जो ये 10 हो जाएगा, इस 10 को ही हम क्या कहेंगे, बेसिक साइज कहेंगे, ठीक। और इसी पर सारे यहाँ पर जो टॉलरेंसेस होती हैं वो दी जाती हैं, और इसी के अनुसार यहाँ पर जो भी डिजायर्ड फिट होती है वो अचीव की जा सकती है। अब इसमें टॉलरेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो प्लस माइनस 0.2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो 0.4 हो जाएगी। अपर लिमिट पूछ लिया जाए कि अपर लिमिट क्या हो जाएगी, तो अपर लिमिट 10.2 हो जाएगी, लोअर लिमिट 9.8 हो जाएगी। एक्चुअल साइज क्या आएगा, तो एक्चुअल साइज जब पार्ट हमारा बनकर रेडी होता है तो जो मेजर करने के बाद साइज आता है जो आपका, वही क्या होता है आपका एक्चुअल साइज होता है, ठीक। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाएगी, यहाँ पर बेसिक साइज में अपर लिमिट को जोड़ दो तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज आ जाएगी 10.2 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट साइज इन BIS सिस्टम। अभी हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि अगर आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिक साइज में अपर डेविएशन को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा बेसिक साइज क्या है, ड्राइंग में दिया गया है 20 mm। इस पर जो हमारी टॉलरेंस दी गई है प्लस एंड माइनस 0.,, यहाँ पर 0.5 दी गई है टॉलरेंस, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि आपका मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट में सबसे पहले क्या चाहिए, बेसिक साइज चाहिए। तो बेसिक साइज कितना है आपका, 20 है। अब 20 में क्या जोड़ना है, अपर डेविएशन। तो बहरहाल यहाँ अपर लोअर दोनों ही बराबर है, 0.05 है, ठीक है। तो 0.05 जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा क्या, 20.05। तो 20.05 हो जाएगा, वही उसका मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा। मिनिमम लिमिट निकालना हो तो क्या करते हैं, तो उस समय बेसिक साइज में से लोअर डेविएशन को हम माइनस कर देते हैं, या कर दो लोअर डेविएशन को जोड़ लेते हैं, तो एक ही होगा, जो कि वो माइनस में होता है तो घट जाएगा। तो 19.95 इसका क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा। तो अब आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हिच टाइप ऑफ फिट इज ऑब्टेन ऑफ द होल इज बिगर देन द शाफ्ट। यदि होल का छेद का आकार क्या है, शाफ्ट के साइज से बड़ा है, ठीक। हमारा होल का जो टॉलरेंस लिमिट है वो ग्रेटर है देन किसके टॉलरेंस लिमिट के, शाफ्ट के टॉलरेंस लिमिट से। तो यहाँ पर किस प्रकार की फिट प्राप्त होगी, तो जब भी आपका होल का जो टॉलरेंस जोन है शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से बड़ा होता है तो फिट कौन सी प्राप्त होती है, क्लियरेंस फिट प्राप्त होती है। फिट को आप कैसे याद रखते हो, यहाँ पर ITI की बात क्या करना होता है, CTI करना होता है। तो CTI से आप याद रख सकते हो, C का मतलब होता है क्लियरेंस फिट, ठीक है। क्लियरेंस फिट में आपका होल का साइज बड़ा होगा, शाफ्ट का साइज उससे छोटा होगा। नेक्स्ट आपका है TT, मतलब होता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन ये क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट इसके बीच की सीमा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी बीच में है, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस के बीच में ट्रांजिशन आता है, ठीक। इंटरफेरेंस क्या होता है पहले उसको देख लीजिए। तो इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका शाफ्ट का साइज होता है ये बड़ा होता है किससे, होल के साइज से। तो जब आपका शाफ्ट का जो लिमिट है, ठीक, वो बड़ा है किससे, होल के लिमिट से, तो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस होता है। और अगर होल का जो लिमिट है ये बड़ा है किससे, शाफ्ट के लिमिट से, तो इस कंडीशन में क्लियरेंस फिट है। और कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पर ये दोनों टॉलरेंस जोन ओवरलैप करते हैं, ठीक, किसी एक कंडीशन में पर्टिकुलरली शाफ्ट का बड़ा हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में होल का बड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत रखते हैं। तो आशा करते हैं टोटल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन बेसिकली क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या होता है। तो प्रोड्यूसिंग वर्क इन पेयर, जोड़ियों में काम करना, या प्रोड्यूसिंग ए वर्क इन सिंगल पीस, या प्रोड्यूसिंग एन वर्क इन लार्ज नंबर। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोड्यूसिंग एन वर्क इन लार्ज नंबर। जब भी किसी भी चीज़ का उत्पादन काफ़ी अधिक संख्या में किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, मास प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स आर फॉलोड इन आवर कंट्री। हमारे देश में लिमिट और फिट की किस प्रणाली का पालन किया जाता है। तो ऊपर ही हमने डिस्कस किया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो सिस्टम होती है ये हमारे देश में फॉलो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टर्म यूज टू इंडिकेट एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक। इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार बात की जाए, तो जब भी हमें किसी भी जॉब के किसी भी वस्तु के
आउटर डायमेंशन को इंडिकेट करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आउटर डायमेंशन को हम क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। जो भी हमारा आउटर कंपोनेंट होता है, एक्सटर्नल डायमेंशन होता है, वो क्या होता है? शाफ्ट होता है। जैसे ये मान लो आपका क्या है, कोई शाफ्ट है, ठीक। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल लिमिट हो जाएगा। अगर यहीं पर बात की जाए होल की, तो होल में क्या हो जाता है, वो इंटरनल हो जाता है। तो अगर बात की जाए एक्सटर्नल डायमेंशन की, तो उसे हम कहेंगे शाफ्ट। बेसिकली कोई भी ऐसा फीचर जो एक्सटर्नल फीचर है वो क्या है, शाफ्ट है, और कोई ऐसा फीचर जो इंटरनल फीचर है उसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो जब भी इंटरनल फीचर की बात की जाएगी तो ध्यान में रखना वो होल होता है, और एक्सटर्नल फीचर की बात की जाए तो क्या होता है, शाफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल डेविएशंस आर इन BIS सिस्टम? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार कुल कितने फंडामेंटल डेविएशन होते हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुल फंडामेंटल जो मौलिक विचलन होते हैं वो कितने होते हैं। तो BIS सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर कुल टोटल 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, जिसे हम लेटर्स के द्वारा दर्शाते हैं। ए से लेकर यहाँ पर कितने तक होता है, जेड तक होता है, जिसमें बीच में ILOQ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, चूंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर दिखने लगते हैं। जैसे आई और एल अगर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर देखते हैं। इसी प्रकार ओ और क्यू आपके कैपिटल लेटर में सिमिलर दिखते हैं, इसलिए ILOQ का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। इसके स्थान पर जेड ए जेड बी जेड सी इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, हाउ मैनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड इन BIS सिस्टम? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार कुल कितने टॉलरेंस ग्रेड होते हैं, सहिष्णुता ग्रेड टोटल कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 18, ठीक। दो चीज़ है यहाँ पर, दोनों अलग अलग है। जब बात की जाए टॉलरेंस ग्रेड की, तो टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं, 18 होते हैं, और फंडामेंटल डेविएशन की बात की जाए तो 25 होते हैं। अब टॉलरेंस ग्रेड को बेसिकली हम IT ग्रेड कहते हैं, तो इसे हम IT01, IT0... IT16 तक प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा, IT01 क्या होगा, IT01, फिर यहाँ पर आएगा आपका IT0, ठीक, फिर आपका आ जाएगा IT1, उसके बाद डैश 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 IT16 तक आता है। कितने तक आता है, IT16 तक आता है। तो कई बार ये सीरीज भी आपको यहाँ एग्जाम में दे दी जाती है। तो टोटल कितने होते हैं, 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट होल बेसिक सिस्टम? तो यहाँ पर बात की जाए तो बेसिकली दो बेसिक सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, एक होता है होल बेसिक सिस्टम, एक होता है शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो होल बेसिक सिस्टम की बात की जाए तो किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल एच के द्वारा होल बेसिक सिस्टम को दर्शाया जाता है। शाफ्ट बेसिक सिस्टम की बात की जाए तो इसको किसके द्वारा दिखाते हैं, तो स्मॉल एच के द्वारा, ठीक। जो ये स्मॉल एच होता है इसके द्वारा हम दर्शाते हैं किसको, शाफ्ट बेसिक सिस्टम को। और कैपिटल एच के द्वारा किसको दर्शाते हैं, तो कैपिटल एच के द्वारा दर्शाते हैं होल बेसिस सिस्टम को। अब होल बेसिस सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली जब आपको कोई फिट प्राप्त करनी, तो आपको पता है फिट में दो चीज़ें होंगी, एक होगा आपका एक्सटर्नल फीचर, एक होगा इंटरनल फीचर। एक्सटर्नल फीचर मतलब शाफ्ट हो गया, इंटरनल फीचर मतलब होल हो गया। तो जब भी आपका मैचिंग कंपोनेंट होल और शाफ्ट है, तो डिजायर फिट प्राप्त करने के लिए होल बेसिस सिस्टम में हम क्या करते हैं, होल के साइज को फिक्स कर देते हैं, ठीक। और जो भी हमें फिट प्राप्त करनी है उसके अनुसार शाफ्ट के साइज को मशीन करके यहाँ पर फिटिंग प्राप्त की जाती है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, हम शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स कर देते हैं, और डिजायर्ड फिट प्राप्त करने के लिए होल का जो है आपका डायमेंशन है उसको हम अल्टर करते हैं, और होल के साइज को वेरी करके यहाँ पर हम डिजायर्ड फिट प्राप्त करते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन? बेसिकली यहाँ पर बात की जाए बड़े पैमाने पर या मास प्रोडक्शन का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज, प्रोडक्शन की रेट बढ़ जाती है, या मेजरिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, या फिर जिग और फिक्चर की आवश्यकता पड़ती है, या स्पेशल पर्पीज मशीन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली बात की जाए जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन की जो रेट होती है, प्रोडक्शन रेट यहाँ पर पैसे का मतलब नहीं है, रेट मतलब किस रेट से आप किस गति से उत्पादन कर रहे हैं, तो जो आपकी उत्पादन की क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा कि प्रोडक्शन रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या होता है? तो आप सभी को पता है वर्नियर कैलिपर क्या है, एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। कैसा है,
प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसको एक्यूरेट किया जाए तो लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। दो होते हैं, होगा प्रिसीजन, एक नॉन प्रिसीजन। प्रिसीजन जिसकी एक्यूरेसी 50 माइक्रोन से लेस होती है, और नॉन प्रिसीजन जिसकी 50 माइक्रोन के अबव होती है। अब वर्नियर क्या करता है, लीनियर डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, थिकनेस हो गया, तो ये सभी क्या आ गए, लीनियर डायमेंशन आ गए। एक्यूरेसी कितनी होती है, तो 0.02 mm 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी में वर्नियर कैलीपर यहाँ किसी भी साइज को मेजर कर सकता है, ठीक। और ये भी कैसा है, डायरेक्ट है, ठीक। आपका डायरेक्ट मेजरमेंट करके आपको डायरेक्ट रीडिंग वहाँ पर देता है, चूंकि इस पर ग्रेजुएशन बनी होती है, तो डायरेक्ट लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट की बात की जाए तो जैसे आपका कैलीपर हो, सॉरी क्या नाम, डिवाइडर हो गया, तो डिवाइडर किसके अंतर्गत आता है, आपका इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। जो आपके कैलीपर होते हैं, इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर, ऑडलेक कैलीपर, ये भी किस में आता है, आपका इनडायरेक्ट में आता है। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो आपका जो प्रोटेक्टर चांदा हो गया है, क्या है, एक एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। टेलीस्कोपिक तो आपका है होल को मेजर करने के काम आता है। व्हिच इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम ऑफ एन वर्नियर कैलीपर, तो जब आप वर्नियर कैलीपर की बात करते हैं तो वहां पर बीम का जो आपका इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, जो आपका बीम के साथ क्या करता है, स्लाइड करता है, वो कौन सा होता है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट है जो कि क्या है, आपके बीम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए बीम के साथ आपका क्या जुड़ा होता है, तो हमारा फिक्स जा जुड़ा होता है। अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखे होंगे तो बीम हमारी क्या होती है, कुछ ऐसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फिक्स जा इस साइड पर जुड़ा होता है, और मूवेबल जा यहाँ पर होता है, तो मूवेबल जा ये आपका क्या करता है, इस पर मूव करता रहता है, और फिक्स वाला जा यहाँ पर हमारा फिक्स रहता है, ये हमारा मूव नहीं होता है, तो ये किसका पार्ट होता है, बीम का पार्ट होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेप्थ बार यहाँ पर आपकी लास्ट में लगी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन, अगर हम माइक्रोमीटर के स्पिंडल को क्या करते हैं, एक बार रोटेट करते हैं, तो उस पर कुल कितनी ग्रेजुएशन मूव होती है, ठीक। हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन, यहाँ पर माइक्रोमीटर है कोई, उसके स्पिंडल को हमने क्या किया, एक बार घुमाया, तो यहाँ पर कितनी दूरी तय करेगा उसका स्पिंडल, सॉरी स्पिंडल को नहीं घुमाते हैं, उसके क्या करते हैं हम, थिम्बल को एक बार घुमाते हैं, स्लीप बैरल कह लो, उसको घुमाते हैं, एक पूरा रोटेशन देते हैं, तो यहाँ पर जो स्पिंडल लगी होती है वो कितनी दूरी आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्पिंडल होती है इस पर जो थ्रेड कटी होती है उसकी पिच कितनी होती है, तो इसकी पिच होती है 0.5 mm। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, स्लीप को घुमाते हैं, ठीक, थिम्बल को घुमाते हैं, पूरा रोटेशन घुमाते हैं थिम्बल को, तो एक बार जब थिम्बल पूरा घूमता है तो ये स्पिंडल कितना आगे बढ़ता है, अपने पिच के बराबर आगे बढ़ता है, तो पिच कितनी होती है, 0.5 mm यहाँ पर स्पिंडल की पिच होती है, तो अपने पिच के बराबर ये दूरी को तय करता है। अब यहाँ पर जो आपका स्पिंडल है इस पर कितनी, सॉरी स्पिंडल बार बार आ जा रहा है, यहाँ पर आपका थिम्बल है, थिम्बल पे कितनी ग्रेजुएशन होती है, तो थिम्बल पर टोटल ग्रेजुएशन होती है 50, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो गया 0.5 mm कब बढ़ रहा है आगे, एक रोटेशन में बढ़ रहा है, और एक रोटेशन में टोटल ग्रेजुएशन कितनी है यहाँ पर, तो टोटल ग्रेजुएशन है हमारी 50, ठीक। तो ये 0.5 क्या हो गई, स्पिंडल की पिच हो गई, और 50 क्या हो गई, यहाँ पर हमारी ग्रेजुएशन हो गई ऑन थिम्बल। तो अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 0.01, यही हो जाता है, लीस्ट काउंट हो जाता है किसका, 1 माइक्रोमीटर का, ठीक। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो स्पिंडल लगी होती है उस पर 0.5 mm की पिच होती है, तो जब हम थिम्बल को एक पूरा रोटेशन घुमाते हैं तो स्पिंडल हमारा 0.5 mm आगे की तरफ बढ़ता है, इसी को हम डिवाइड करके यहाँ पर लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट द एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर को संभालते समय अत्यधिक देखभाल क्यों की जानी चाहिए, वाई एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन, तो एक्सट्रीम केयर इसलिए कहते हैं चूंकि ये क्या है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी में ये मेजरमेंट लेता है, तो अगर वहाँ पर हम एक्सट्रीम टेक केयर नहीं करेंगे, उस पर जंक लग जाएगा, वियर एंड टियर होगा, तो उससे रीडिंग क्या होगी हमारी, इफेक्टिव हो जाएगी, चूंकि बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसलिए इसकी देखभाल हमें करनी आवश्यक होती है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर माइक्रोमीटर देखा होगा तो यहाँ पर लास्ट में एक रैचेट स्टॉप लगी होती है, ठीक, जिस पर यहाँ पर नर्लिंग की हुई होती है, तो रैचेट स्टॉप का क्या कार्य होता है, यही आपसे यहाँ पर एग्जाम में
पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि रैचेट स्टॉप का क्या कार्य होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब हम किसी जॉब की मेजरमेंट ले रहे होते हैं यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम थिम्बल का प्रयोग करके उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। थिम्बल के द्वारा उसको हम रोटेट करते हैं, सॉरी थिम्बल के द्वारा, स्लीव या बैरल के द्वारा, जिस पर यहाँ पर नली की हुई होती है, तो उसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हमारा ये दोनों आपके क्लोज में आ जाते हैं, एनविल और स्पिंडल कांटेक्ट में आने वाले होते हैं, जॉब के दोनों एक्यूरेट एकदम होने वाले होते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो लोड होता है, जो रोटेशन होता है, वहाँ पर हम स्लीव के द्वारा नहीं देते हैं, किसके द्वारा देते हैं, फिर हम रैचेट स्टॉप के द्वारा देते हैं, जिससे कि क्या किया जा सके, एक समान प्रेशर लगाया जा सके और जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है कि रैचेट स्टॉप का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना, या फिर इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर, एक समान दबाव को सुनिश्चित करना, जिससे इजीली वहां पर रीडिंग उसकी सही आ सके। अगर हम क्या करेंगे, यहां पर स्लीव के द्वारा घुमाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कभी ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा तो रीडिंग हमारी माइनस में जा सकती है, कम प्रेशर रहा तो प्लस में होगी। जब हम रैचेट स्टॉप से घुमाएंगे तो यूनिफॉर्म प्रेशर होगा, एग्जैक्टली हो जाके सीट होगा, और जब आपका दो बार चट चट की आवाज़ आ जाए तो वहीं पर उसको हमको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, जो भी रीडिंग हो उसे नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड टू कन्वर्ट लीनियर मोशन ऑफ प्लंजर टू रोटरी मोशन ऑफ पॉइंटर इन डीटीआई। डायल टेस्ट इंडिकेटर में बात किया जाए तो पॉइंटर की रोटरी मोशन को प्लंजर के लीनियर मोशन या रैखिक गति में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर डीटीआई किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो दोनों का यहाँ पर एक ही आंसर होता है, रैक एंड पिनियन। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है और एक्स से यहाँ पर मार्क किए गए पार्ट को पहचानना है। तो बेसिकली यहाँ पर फिगर में क्या दिखाया गया, एक लेथ मशीन दिखाई गई है, ठीक। यह हो गया आपका हेड स्टॉक का साइड, यह हो गया टेल स्टॉक का साइड। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हेड स्टॉक के सेंटर से टेल स्टॉक के सेंटर की बीच की दूरी यहाँ पर दिखा रहा है, किसके द्वारा, एक्स के द्वारा दिखा जा रही है। तो बेसिकली ये क्या है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, क्या है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, तो इसे हम कहते हैं लेंथ बिटवीन सेंटर। एक हो गया आपका हेड स्टॉक सेंटर, दूसरा हो गया यहाँ पर टेल स्टॉक सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लेंथ बिटवीन द सेंटर। और इतने ही लंबाई का जॉब हम यहाँ पर लेंथ में होल्ड कर सकते हैं, इससे अधिक लंबाई का जॉब लेंथ में होल्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपको एक्स से मार्क किए गए पार्ट को दिखाया गया है, मतलब तो यहाँ से एक्स एक पार्ट मार्क किया गया और पूछा गया है ये कौन सा पार्ट यहाँ है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक कैरिज मैकेनिज्म दिखाया गया है, ठीक है, और कैरिज मैकेनिज्म में यहाँ पर एक्स से पार्ट मार्क किए गए पार्ट के बारे में पूछा गया है। तो एक्स बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लीड स्क्रू लगा है जिस पर एक में थ्रेड कटी हुई है, और उसी के पैरेलल में यहाँ पर ये लीवर आपका लगा हुआ है। तो ये किसका काम करेगा, तो ये लीड स्क्रू का लीवर होगा, लीड स्क्रू की रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लीड स्क्रू का लीवर हो जाएगा, ठीक। और उसके जस्ट नीचे देखा जाए, ठीक है, ये हो गया आपका फीड शाफ्ट हो गया, इसके पैरेलल में जो हो गया आपका ये फीड शाफ्ट का स्क्रू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच द इंड कटिंग एज एंगल ऑफ लेथ टूल, जो लेथ का टूल होता है उसका इंड कटिंग एंगल यहाँ पर कितना होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इंड कटिंग एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इंड कटिंग एंगल का काम क्या होता है, ये है, तो इंड कटिंग एंगल प्रोटेक्ट फिनिश्ड पोर्शन ऑफ द जॉब अगेंस्ट रविंग। जब हमारा लेथ टूल कार्य करता है, कटिंग कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो सरफेस आपकी ऑलरेडी पहले से कटिंग हो गई है, मान लीजिए ये कोई क्या है आपका शाफ्ट है, यहाँ पर हमारा जॉब इसकी टर्निंग कर रहा है, तो जब टर्निंग करते करते मान लो इस पोजीशन पे आ गया, तो ये जो इतना पोजीशन पर यहाँ पर टर्निंग हो चुकी है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये आपका देख पा रहे होंगे ट्रायल एंगल जिसे बोलते हो, इसी को इंड कटिंग एज एंगल कहा जाता है।
तो ये जो एंगल होता है ये क्या करता है, जो ऑलरेडी मशीन की हुई सरफेस है उसको यहाँ पर रबिंग एक्शन से बचाता है, और उस पर कोई स्क्रेच वगैरह नहीं आती उस सरफेस को, यहाँ पर ये सरफेस फिनिश को प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर नोज को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जो यहाँ पर नोज होता है इसको ये सपोर्ट करने का भी काम करता है। एंड ऑल्सो कंडक्ट हीट फ्रॉम क्रिटिकल कटिंग पॉइंट एरिया, और यहाँ से जो आपकी हीट निकलती है उसको क्या करता है, पूरे और भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। पर जो मेन काम है वो क्या करता है, यहाँ पर रबिंग एक्शन से बचाता है, जिससे कि जो फिनिश की हुई सरफेस है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एंगल कितना होता है, तो ये एंगल होता है आपका 30 डिग्री। आशा करते हैं क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। फिर से यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर बेसिकली इस बार जो क्रॉस स्लाइड मैकेनिज्म थे उसके सारे पार्ट को क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, और पूछा जा रहा है जो एक्स से मार्क किया गया पार्ट है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे टूल पोस्ट हो गया, उसके नीचे यहाँ पर जो एक्स से मार्क किया गया पार्ट है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टॉप स्लाइड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टॉप स्लाइड कहते हैं, और कई बार इसी को कंपाउंड स्लाइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, टॉप स्लाइड कहते हैं, या फिर इसी को कंपाउंड स्लाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी स्विवल बेस लगी होती है जिसमें आपका यहाँ पर नीचे एप्रन लगा हुआ होता है। ठीक, तो ये और सारे इसके पार्ट हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टॉप स्लाइड, या इसी को कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कंपाउंड स्लाइड। ये हो गया आपका बेसिकली टूल पोस्ट हो गया, जिसमें यहाँ पर टूल को क्लैंप किया जाता है नट और बोल्ट की सहायता से। ठीक, स्विवल बेस भी यहाँ पर हो गया, एच शेप का हो गया नीचे आपका एप्रन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से यहाँ पर आपको एक लेथ मशीन दिया है और एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हेड स्टॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, हेड स्टॉक हो गया, ये हो गया टेल स्टॉक, बीच में यहाँ पर आपका हो गया कैरिज मैकेनिज्म, यहाँ पर हो गया आपका लीड स्क्रू, ये हो गया फीड शाफ्ट, नीचे हो गया आपका लेथ का बेड, और ये फिर उसका पूरा बेस वगैरह। ठीक, सॉरी, लेथ का बेड यहाँ पर आएगा, ये हो गया आपका क्या, नीचे जो इसका बेस है वो हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच गियर यूनिट इन ए लेथ इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। एक खराद लेथ मशीन में किस गियर यूनिट को रिवर्सिंग गियर यूनिट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है स्पिंडल गियर, फिक्स स्टड गियर, चेंज गियर, या टम्बलर गियर यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टम्बलर गियर यूनिट। टम्बलर गियर यूनिट को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर रिवर्सिंग गियर यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर टम्बलर गियर यूनिट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इसको भी आप देख लेंगे, फिगर को देख लेंगे कि किस प्रकार से टम्बलर गियर यूनिट यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली टम्बलर गियर यूनिट का फिगर दिखाया गया है। ठीक, टम्बलर गियर यूनिट नथिंग बट ये बेसिकली क्या होता है, 3 गियर का एक सेट होता है। ठीक, जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लीड स्क्रू एंड फीड शाफ्ट। तो लीड स्क्रू है और फीड शाफ्ट है, उसके रोटेशन की दिशा को बदलने के लिए, मान लो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक से क्लॉकवाइज, तो उसके रोटेशन की दिशा को बदलने के लिए इस टम्बलर गियर यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इट इज़ नॉर्मली सिचुएटेड बिटवीन द स्पिंडल ड्राइव एंड द फीड ड्राइव इन गियर बॉक्स। तो बेसिकली जो आपका हेड स्टॉक होता है उसमें स्पिंडल ड्राइव और फीड ड्राइव गियर बॉक्स के बीच में इसको फिट किया जाता है। इस कंसिस्ट ऑफ 3 गियर, यहाँ पर कितने गियर होते हैं बेसिकली, तो 3 गियर यहाँ पर लगे होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अरेंज इन ए सिंपल गियर ट्रेन माउंटेड ऑन ए ब्रेकेट, द ब्रेकेट कैन बी शिफ्टेड इन टू 3 पोजिशन। तो यहाँ पर जो आपका ब्रेकेट लगा होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 बेसिकली डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। पहला है फॉरवर्ड रोटेशन में, जो कि है क्या है आपका लीड स्क्रू एंड फीड शाफ्ट, आप क्या करता है फॉरवर्ड रोटेशन, आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरा हो गया न्यूट्रल पोजिशन, जो कि आपका लीड स्क्रू फीड शाफ्ट दोनों रुक जाते हैं। तीसरा हो गया आपका रिवर्स पोजीशन, कि रिवर्स में हमारे फीड स्क्रू और लीड शाफ्ट दोनों क्या होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में वापस गति करते हैं। तो 3 पोजीशन में यहाँ पर जो आपका ये है इसको सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, एक हो गया स्पिंडल गियर, एक हो गया यहाँ पर जो बेसिकली आपका ये टम्बलर गियर यूनिट है, ये हो गई। ठीक, इसमें आपका ड्राइवर गियर, ड्रिवन गियर, ये सारी चीज़ें हम बाकी क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको कि टम्बलर गियर यूनिट का काम क्या होता है, तो लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट के रोटेशन की
दिशा को बदलने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर आपके तीनों गियर हैं, इसी को हम टम्बलर गियर यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ भाई आपको एक फिगर दिया गया है लेथ मशीन का, और पूछा गया एक्स से निर्दिष्टित क्या दिखाया गया है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यक्स यहाँ पर नीचे का जो हो गया आपका बेड हो गया, ऊपर जो हो गया यहाँ पर आपका हेड स्टॉक का सबसे ऊपरी सिरा हो गया। तो ये टोटल यहाँ पर किस चीज़ को दिखाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। लीड स्क्रू, नहीं लीड स्क्रू आपका यहाँ पर है। ठीक, लेंथ ऑफ द बेड, लेंथ ऑफ द बेड क्या है आपका इधर होता है लेंथ ऑफ द बेड। देन हो गया लेंथ बिटवीन सेंटर, देन मैक्सिमम डायमीटर स्विंग ऑफ द वर्क दैट कैन बी टर्न्ड, मैक्सिमम डायमीटर ठीक है, अधिकतम व्यास जिसको हम क्या कर सकते हैं लेथ मशीन पर टर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये क्या दर्शाती है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द जॉब दिखाती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं इस लेथ मशीन पर घुमाकर रोटेट करके यहाँ पर टर्निंग की जा सकती है। ठीक, तो इसे स्विंग डायमीटर के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं स्विंग डायमीटर के नाम से भी जानते हैं, या कह लो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द लेथ, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द जॉब दैट कैन बी टर्न ऑन द लेथ मशीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच टाइप ऑफ लेथ इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन के लिए बात की जाए कि कौन सी लेथ सुटेबल होती है, किस लेथ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा क्या होती है, कैपेस्टन एंड टेरेथ लेथ होती है, जिसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए। बेसिकली कैपेस्टन और टेरेथ लेथ में क्या होता है, यहाँ पर टेल स्टॉक नहीं होता है, टेल स्टॉक के स्थान पर यहाँ पर एक टेरेट हेड होता है, जिसमें बेसिकली 6 या फिर 8 फेसेस होते हैं, और इसमें 2 टूल पोस्ट एक्स्ट्रा लगे होते हैं, जिसके द्वारा इसकी जो इफिशियंसी वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इसका प्रयोग हम मास प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर बाकी जो लेथ हैं आपकी सारी नॉर्मल यूज के लिए हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार यहाँ पर आपको स्पीड लेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि जो स्पीड लेस्ट होती है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली जो आपकी सॉफ्ट मेटल होती हैं ठीक है, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, उसको खरादने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, या कई बार पूछा जाता है स्पिनिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या आपने बर्तन देखे होंगे बर्तन डिफरेंट डिफरेंट शेप में बनते हैं, तो उसी को हम स्पिनिंग कहते हैं। तो इस सभी काम के लिए बेसिकली यहाँ पर प्रयोग किया जाता है स्पीड लेस्ट, जिसके स्पिंडल की जो यहाँ पर आरपीएम होता है वो 3600 तक यहाँ पर आरपीएम हो जाता है, बहुत तेज स्पीड पर घूमती है, इसीलिए इसको स्पीड लेथ के नाम से जाना जाता है। और सेंटर लेथ पूछा जाए तो जो नॉर्मल लेथ यूज की जाती है वो सेंटर लेथ ही होती है, जो आप वर्कशॉप वगैरह में देखते होंगे, तो कौन सी लेथ होती है सेंटर लेथ होती है, अगर जो छोटी छोटी लेथ जो बेंच पर फिक्स की जाए तो वो क्या हो जाएगी बेंच लेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडी रेस्ट इन लेथ। स्टडी रेस्ट का बेसिकली काम क्या होता है लेथ मशीन में, स्टडी रेस्ट क्यों प्रयोग की जाती है, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। टू सपोर्ट ए लॉन्ग जॉब, टू सपोर्ट ए शॉर्टर जॉब, टू सपोर्ट ए लार्ज डायमीटर जॉब, या टू सपोर्ट एन इरेगुलर शेप जॉब। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बेसिकली जब हम क्या करते हैं लेथ मशीन पर किसी लंबे जॉब की टर्निंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में जो हम टर्निंग कर रहे होते हैं काफ़ी लंबा जॉब है, तो लंबाई अधिक होने के कारण इसके वेट के कारण कई बार क्या करता है यहाँ पर झुक जाता है ठीक है, और वो टर्निंग करते समय इसमें बेसिकली डेविएशन विचलन होता है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लेथ के बेड पर या टेल सॉरी कैरिज पर फिक्स करके क्या कर सकते हैं इस लंबे जॉब को हम सहारा देते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाता है स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर, विच टूल एंगल इज ग्राउंड ऑन पार्टनिंग एंड अंडरकट टूल्स बोथ साइड। किस टूल एंगल को पार्टिंग पर और दोनों तरफ कट टूल के तहत ग्राउंड किया जाता है, तो ये बेसिकली होता है आपका साइड कटिंग एंगल, क्या होता है सॉरी साइड कटिंग नहीं साइड रिलीफ एंगल, क्या होता है ये साइड रिलीफ एंगल होता है। विच टूल एंगल इज ग्राउंड ऑन पार्टिंग एंड अंडर कट टूल बोथ साइड, तो बेसिकली होता है आपका साइड रिलीफ एंगल। तो बेसिकली जितने भी आपके पार्टिंग टूल होते हैं, जितने भी पार्टिंग टूल हैं उनकी बात की जाए, जब भी आपके अंडर कटिंग टूल होते हैं जिसके द्वारा अंडर कट किया जाता है ठीक, तो जो दोनों प्रकार के टूल होते हैं इनके साइडों पर क्या होता है यहाँ पर रिलीफ एंगल बनाया जाता है,
इस रिलीफ एंगल के बनाने का कारण क्या होता है कि जब हम पार्टिंग ऑफ कर रहे होते हैं या फिर हम वहाँ पर अंडर कट लगा रहे होते हैं, तो उस समय जो कटिंग एज होती है ठीक, वो आगे से चौड़ा और पीछे से कम चौड़ा होता है ठीक। कुछ इस प्रकार का मान लो आगे है ठीक है, ज़्यादा चौड़ा है और पीछे थोड़ा क्या होती है, कम चौड़ी होती है ठीक है। यहाँ पर पीछे थोड़ी कम चौड़ी होती है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि इससे बेनिफिट होता है जो आपकी पीछे की बॉडी है ये क्या होती है, रबिंग एक्शन से बचती है और हमारे यहाँ पर जो टूल होता है रबिंग नहीं करता है ठीक। क्योंकि जब आगे की चौड़ाई कम होगी तो यहाँ पर आपकी कटिंग कर रही होगी, अंडर कट होगा या ज़्यादा होगा, यहाँ पर पूरा क्या कर सकता है, पूरी लंबाई में आपका टूल जा सकता है ठीक। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पर रिलीफ देने के लिए, घर्षण से उसको बचाने के लिए यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आगे का कटिंग ये चौड़ा, पीछे थोड़ा कम चौड़ा होता है। और मैक्सिमम अगर पूछा जाए कि साइड रिलीफ एंगल कितना होता है, तो 2 डिग्री ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर 2 डिग्री का साइड रिलीफ एंगल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पर दिया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्क पीस दैट कैन बी टर्न्ड बाई द फोर्जा चक। फोर्जा चक के द्वारा जब हम किसी जॉब को पकड़ते हैं तो बेसिकली वहाँ पर कितनी एक्यूरेसी में, या उसको बोल सकते हैं कि कितना वहाँ पर एक्यूरेट उसमें क्या कर सकता है, वो जॉब को होल्ड कर सकता है। तो अगर बात की जाए फोर्जा चक की, तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि जो फोर्जा चक होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो फोर्जा चक को हम इंडिपेंडेंट चक या फिर डॉग चक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें चार जॉस होते हैं, चारों क्या होते हैं, अलग अलग खुलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते होते हैं। इन चारों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ओपन और टाइट कर सकते हैं। इसमें कंसेंट्रिक सर्किल होते हैं जिसकी सहायता से इसको हम बराबर दूरी पर खोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे सर्किल बने होते हैं, इस सर्किल के रेफरेंस से इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और अलग अलग क्लोज करने की वजह से ही इसे इंडिपेंडेंट चेक के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोग बेसिकली कोई हैवी वर्क है या कोई इरेगुलर शॉप की जॉब है, उसको होल्ड हम जिसके त्रिज्या चक में नहीं कर पाते, उसको यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग पूछा जाता है किससे करते हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा इसकी सेटिंग की जाती है। और इसके जार्स को हम रिवर्स करके भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कितने एक्यूरेसी में इसको हम होल्ड कर सकते हैं जो आपको, तो 0.02 mm, या फिर अगर मेट्रिक में बात की जाए, सॉरी ब्रिटिश में बात की जाए, तो 0.001 इंच की एक्यूरेसी में यहाँ पर जो आपको ट्यून किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ पर हम DTI यूज करेंगे वो मिनिमम 0.02 mm का ही एक्यूरेट होगा, इससे नीचे नहीं। तो यहाँ पर 0.02 mm की एक्यूरेसी में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपको होल्ड करके इसको हम सेट कर सकते हैं, और ब्रिटिश में 0.001 इंच ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक फोर्जा चक दिखाया गया है या आपकी चक्की हो गई, और यहाँ पूछा गया है जो एक्स से मार्क किया गया है इसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली इसको हम रिवर्सेबल जा कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सेबल जा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक फोर्जा चक का फिगर दे दिया है, आप इससे यहाँ पर देख कर और सारे पार्ट को देख सकते हैं कि मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे कोई और पार्ट पूछ लिया जाए तो उसको भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो अदर पार्ट की बात की जाए यहाँ पर, जैसे ये हो गया कि जिसे हम चक्की के नाम से भी जानते हैं, ये हो गई पूरी चक्की बॉडी हो गई ठीक। यहाँ पर की के लिए एक होल बना होता है जिसे हम की सॉकेट के नाम से जानते हैं, इसी में की को लगाकर बेसिकली हम क्या करते हैं, ओपन टाइट करते हैं। चारों में क्या होती है, अलग अलग आपकी बनी होती है। ये आपकी बेसिकली फिंगर पिंग हो गई, टेपर ऑफ मैच स्पिंडल नोज यहाँ पर हो गया जिसे मैच करता है, यहाँ पर आपका कीबे हो गया, और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, रिवर्सिबल जॉस लिखा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स में यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नेम ऑफ पार्ट मार्क एज यक्स। यहाँ पर आपको बेसिकली एक ड्राइविंग प्लेट दिखाई गई है, उसमें एक्स से मार्क जो यहाँ पर पार्ट है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि ये क्या है। तो बेसिकली जो भी आपकी ये ड्राइविंग प्लेट होती है उसके साथ यहाँ पर एक यू स्लॉट कटा होता है, तो इस यू स्लॉट में यहाँ पर बेंट टेल कैरियर को फिक्स करके इसको ड्राइव किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, बेंट टेल कैरियर, इसको हम क्या कहते हैं, बेंट टेल कैरियर के नाम से जानते हैं। अब बेंट टेल कैरियर बेसिकली क्या होता है, तो ये बेंट टेल्ड लेथ कैरियर इंगेज इन ए यू स्लॉट ऑफ द कैच प्लेट एंड ड्राइविंग प्लेट एंड यूज टू ड्राइव द वर्क पीस। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी कैच प्लेट होती है, ड्राइविंग प्लेट होती है, उसके यू स्लॉट में हम इसको फिट करके क्या करते हैं, जॉब को ड्राइव करने के लिए, जॉब को रोटेट करने के लिए आराम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ आपकी दिखाई गई है कैरियर ठीक है, जिसका यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे तो यह क्या है, टेल बेंट है, तो इसीलिए इसको
बेंट टेल कैरियर के नाम से जाना जाता है। पूरा क्या हो गया आपका, ड्राइविंग प्लेट हो गया, जिससे कि यहाँ पर वर्क पीस को होल्ड करके इसमें हम ड्राइव कर रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपसे ऑप्शन में क्या दिखाया गया है, तो बेसिकली इसे हम ड्राइविंग प्लेट कहते हैं, या फिर इसी को कैच प्लेट के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैच प्लेट के नाम से जानते हैं, जिसमें यहाँ पर आपका ये यू स्लॉट हो गया, जिसमें बेंट टेल कैरियर फेस करते हैं, यहाँ पर आपका जाब हो गया, ये आपका एक इलिप्टिकल होल नीचे हो गया। ठीक, तो कैच प्लेट का यूज क्या है, तो इट इज यूज फॉर क्लैंपिंग मिनिमम लेंथ ऑफ वर्क पीस, जो छोटे जॉब होते हैं उसको यहाँ पर क्लेम करता है। इट इज डिजाइंड विथ यू स्लॉट एंड एन इलेप्टिकल स्लॉट टू एकोमोडेट द बेंट टेल ऑफ द लेथ कैरियर, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 34 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यहाँ पर आपको एक बेसिकली दिखाया गया है अटैचमेंट। अब इसमें पूछा गया है एक्स से जो यहाँ पर मार्क किया गया पार्ट, ये क्या है, तो बेसिकली इस पूरे अटैचमेंट की बात की जाए तो ये आपकी फेस प्लेट है। अब फेस प्लेट में जब हम जॉब को होल्ड करते हैं, मान लो कोई इरेगुलर शेप जॉब है, तो होल्ड करेंगे तो जिस साइड उसका वेट ज़्यादा होगा उस साइड क्या होगा, थोड़ा सा बेंडिंग आएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए अपोजिट साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर काउंटर वेट को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स दिखाया गया ये क्या है, काउंटर वेट दिखाया गया, जिससे कि यहाँ पर क्या किया जा सके, इरेगुलर शेप के जॉब को बेसिकली बैलेंस किया जा सके फेस प्लेट में। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि फेस प्लेट का यूज कब करते हैं, तो फेस प्लेट का यूज बेसिकली किया जाता है जो आपके इरेगुलर शेप के जॉब होते हैं, ठीक, उसको होल्ड करने के लिए, जिसको हम आपका बेसिकली 4 जाचक 3 जाचक में ना होल्ड कर पाए, तो उसको ईजिली से इसमें होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। जो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर हम प्रयोग करते हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो ये होती है 5 मिनट। कितनी होती है, तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की उसकी एक्यूरेसी होती है 5 मिनट, या इसी को कई बार 1/12 ऑफ डिग्री, मीन्स 1 डिग्री का जो 12वां भाग होता है वो भी कह सकते हैं, या फिर इसे 5 मिनट हम कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात किया जाए, व्हिच पार्ट ऑफ वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर इज अटैच्ड टू डिस्क। यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग होता है जो कि डिस्क से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका वर्नियर स्केल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी आपकी क्या हो गई, यहाँ पर ये पूरा आपका डायल हो गया, उसके अंदर ये आपकी डिस्क हो गई, और डिस्क के साथ क्या जुड़ी होती है, तो डिस्क के साथ यहाँ पर जुड़ी होती है वर्नियर स्केल, ये आपकी ब्लेड हो गई, ये हो गया आपका स्टॉक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। बेसिकली यहां पर एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो यहां पर आपसे एक्स पूछा गया था, तो इस एक्स का नाम क्या था, यहां पर बेसिकली वर्नियर स्केल था, और यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे एक्स मार्क किया गया पार्ट है, तो इस एक्स का नाम क्या है, ये है आपका स्टॉक, ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो 5 मिनट होती है, 1 डिग्री के 12वें भाग तक भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि जो मेन स्केल होती है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 डिग्री होती है, वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी 1 डिग्री 55 मिनट होती है। ठीक, कितनी होती है, 1 डिग्री 55 मिनट होती है, तो इसीलिए जब हम इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो 2 मेन स्केल में से 1 वर्नियर स्केल को घटाते हैं, तो आपको 5 मिनट की एक्यूरेसी यहाँ पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया था, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग डिस्क के साथ जुड़ा होता है, तो डिस्क के साथ आपका क्या जुड़ा होता है, वर्नियर स्केल जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया था, यह आपकी क्या है, डिस्क है, और डिस्क के साथ क्या जुड़ा होता है, ये वर्नियर स्केल यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। और यक्स से मार्क पार्क को भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, तो एक्स से जो पार्ट मार्क किया गया इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको वर्नियर स्केल ही कहते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर दिखाया गया है मेन स्केल दिखाया गया है, और ये आपकी डिस्क भी दिखाई गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात किया जाए, तो पूछा गया था एक्स से मार्क पार्ट क्या है, तो ये आपका क्या है, स्टॉक है, और ये क्या है आपका, ब्लेड है। जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो जो हमारा स्टॉक होता है ये आपका डेटम रेफरेंस के संपर्क में आता है, और जो ब्लेड होता है जो आपकी टेपर सरफेस होती है जिस पर हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं उसके संपर्क में बेसिकली ये आती है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नीचे यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर को थोड़ा डिटेल में, कि जो भी आपकी यहाँ पर
डाउट हैं वो भी क्लियर हो सकें। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए कि वर्नियर बेबल प्रोट्रैक्टर होता क्या है। तो बेसिकली आपका प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर के बारे में, तो वर्नियर कैलिपर क्या था, आपका प्रिसीजन आपका लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन ये क्या है, आपका एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है आपका, बेबल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी सहायता हमसे चेक कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं किसी भी एंगल को, कितने एक्यूरेसी में, तो 5 मिनट की एक्यूरेसी में 1/12 डिग्री, मतलब डिग्री के 12वें भाग की एक्यूरेसी में या 5 मिनट की एक्यूरेसी में यहाँ पर हम किसी जॉब के एंगल को मेजर कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। पार्ट बेसिकली कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, स्टॉक हो गया, फिर यहाँ पर आपकी डिस्क हो गया, डायल हो गया, डायल के साथ साथ यहाँ पर आपकी ब्लेड हो गई, एडजस्टेबल ब्लेड, यहाँ पर फिर आपका मेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, लॉकिंग स्क्रू हो गया, और ब्लेड का जो यहाँ पर सिरा है 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर ये क्या होता है, चैम्फर करके बनाया जाता है। पार्ट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाए स्टॉक के बारे में जो है कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो स्टॉक बेसिकली क्या है, यहाँ पर डिस्क का एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिसका प्रयोग बेसिकली कहाँ करते हैं, जो हम चेकिंग कर रहे होते हैं, तो जो भी आपकी जो टेबल होती है, सरफेस प्लेट होती है, जो भी डेटम सरफेस होती है, उसके कॉन्टेक्ट में इसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है स्टॉक को। डिस्क की बात की जाए, यहाँ पर डिस्क दिखाई गई है, तो डिस्क बेसिकली क्या है, गया है इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक। ये क्या होता है, स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा होता है, ठीक, जो कि एक सर्कुलर शेप में बनी होती है, जिस पर 0 से 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर आपकी क्या होती है, ग्रेजुएशंस बनी होती है, फिर 90 to 0, 0 to 90, इसी क्रम में यहाँ पर ग्रेजुएशंस आपकी बनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाए डायल, जहाँ पर डायल दिखाया गया है, तो डायल क्या होती है, इट लुक्स लाइक सर्कुलर इन शेप, ये किस, ये भी सर्कुलर शेप में होती है, और ये किस पर होती है, आउटर डिस्क पर फिट होती है, और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, तो डिस्क पर जुड़ा होता है, सॉरी डायल पर होता है आपका वर्नियर स्केल। नेक्स्ट यहाँ पर अगर पूछा जाए मेन स्केल, तो डिस्क पर क्या होता है, आपका मेन स्केल होता है, और डायल पर क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। साथ ही साथ डायल पर यहाँ पर आपका ब्लेड होल्डर है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू है, ठीक, इसको 360 डिग्री में सेट करके कहीं भी इसको सेट किया जा सकता है। तो आशा करते हैं अब आपको क्वेश्चन इसके क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मेन स्केल होती है ये किस पर ग्रेजुएटेड होती है, तो मेन स्केल किस पर ग्रेजुएटेड होती है, तो ये डिस्क पर ग्रेजुएटेड होती है। वर्नियर स्केल किस पर ग्रेजुएटेड होती है, तो जो आपकी वर्नियर स्केल होती है किस पर होती है, आपकी डायल के साथ फिट यहाँ पर होती है, ठीक। और इसका हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, यहाँ पर जो आपकी वर्नियर स्केल दिखाई गई है, वर्नियर स्केल पर यहाँ पर बेसिकली 12 डिवीजन होते हैं, और ये वर्नियर स्केल के जो 12 डिवीजन होते हैं मेन स्केल के 23 डिवीजन के बराबर होते हैं, ठीक। तो मेन स्केल के 23 डिवीजन के बराबर होते हैं, तो यहाँ से जब हम निकालते हैं इसका क्या लिस्ट काउंट, तो यहाँ से आपका लिस्ट काउंट बेसिकली निकल के आता है 5 मिनट, ठीक, कितना निकल के आता है, 5 मिनट, क्योंकि जब हम 23 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो ये निकल के आएगा 1 डिग्री 55 मिनट, जो कि आपकी वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी हो जाएगी। मेन स्केल की एक्यूरेसी 1 डिग्री होती ही है, और यहाँ पर आपकी वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी 1 डिग्री 55 मिनट, तो टोटल माइनस करेंगे तो 5 मिनट यहाँ से हमारा निकल के आएगा, 5 मिनट। तो ऐसा हो सकता है बीच में आपकी बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी या राइटिंग में, तो आप उसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखने के चक्कर में कई बार चीज़ें यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलनी पड़ती हैं, तो उस चक्कर में कई बार यहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बेसिकली जो कंक्लूजन है उसको आप समझिएगा, ठीक, कितने एक्यूरेसी में, तो 5 मिनट की एक्यूरेसी में इसके द्वारा मेजर और चेक किया जाता है एंगल को। तो ये थे यहाँ पर 38 जो आपके किसके क्वेश्चन थे, वर्क स्टोरी 38 यहाँ पर बेसिकली आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके चालू होते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन, और वर्कशॉप इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब के जो कैलकुलेशन है इसको हमने ऑलरेडी जो आपका फिटर का वीडियो है, फिटर का यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का पार्ट 2 है, उसमें हमने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पर जो कि आपके 39 नंबर से लेकर के 75 नंबर के क्वेश्चन है, उसको देखने के लिए आप जो फिटर का फर्स्ट ईयर है उसके सेट 2 को देखिएगा, वहाँ पर सारे क्वेश्चन डिटेल में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आई बटन पे, तो वहाँ से आप उन सारे क्वेश्चन को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कोई और फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
ठीक, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। ठीक, पढ़ते रहिए, यूं ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।